अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं ETK फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमारे पास एक इन्वर्टर है 2000 वाट का शोर कंपनी का, जो कि आउटपुट नहीं दे रहा, हालांकि उसका पेन भी चल रहा है और साथ में फॉरवर्ड लाइट भी ऑन है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो साथ में रेड लाइट है जो कि ऑन है और फॉल्ट वाली है, और जब ये लाइट किसी भी इन्वर्टर का ऑन हो तो ये समझे कि इस इन्वर्टर में कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या मसला है अंदर से। तो दोस्तों, हमने इन्वर्टर का ऊपर वाला ढक्कन खोल लिया है और जब हमारी नज़र पड़ी इसकी सर्किट पर, तो जो DC कैपेसिटर इसमें लगे हुए होते हैं 25 वोल्ट 22 सुईब के, तो ये सारे के सारे उड़ गए हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसके जो कैपेसिटर्स उड़ गए हैं उसको चेंज करेंगे और फिर चेक करेंगे। अगर इससे फॉल्ट ख़त्म हो जाता है तो ठीक, वरना फिर आगे भी शायद कोई ना कोई एक आध इनपुट और आउटपुट MOSFET में फॉल्ट हो सकता है। तो व्यूअर्स, इसके लिए सबसे पहले हम इसके जो कैपेसिटर्स उड़ गए हैं, इसकी जो टांगे सर्किट में रह गए हैं, इसको सर्किट से रिमूव करके नए कैपेसिटर 25 वोल्ट बॉयस स्वीप के लगा लेंगे। तो दोस्तों, हमने नए कैपेसिटर लगा लिए हैं इसमें और अब हम इसको चेक करके देख लेंगे कि आया अभी आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो दोस्तों, अब हमारा ये इन्वर्टर आउटपुट देना शुरू कर गया और ठीक हो गया, यानी सारा मसला फॉल्ट DC कैपेसिटर्स का था जो कि उड़ गए थे, नहीं लगा के मसला हल हुआ।
तो दोस्तों वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।